दोस्तों, आज हम बात करते हैं गूगल के ऊपर कि ये कैंपस प्लेसमेंट में बीटेक और एमटेक के स्टूडेंट को कितना पैकेज देती है, और साथ में हम जानेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट ये अलाउ करती है अपनी प्लेसमेंट में बैठने के लिए, और साथ में देखेंगे कि कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए सो दैट कि आपकी सिलेक्शन इस कंपनी में हो जाए। और दोस्तों, ये है मेरी सेकेंड वीडियो इस सीरीज़ में जो कि है कंपनीज आपको देती हैं 30 लाख से ऊपर का पैकेज कैंपस प्लेसमेंट में। अगर आप मेरी पहली वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। गूगल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए आती है कैंपस में, और साथ ही साथ ये सभी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। तो ये कौन सी जॉब लोकेशन के लिए आती है? ये आती है बेंगलोर और हैदराबाद के लिए, और आप देख सकते हैं बीटेक को ये अराउंड 30 लाख का पैकेज देती है और एमटेक को ये 31.82 लाख का पैकेज देती है। ये डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ बेस सैलरी में। बीटेक के स्टूडेंट को ये देती है 16.8 लाख का पैकेज और एमटेक के स्टूडेंट को देती है ये 18 लाख का पैकेज। टारगेट बोनस में जस्ट 20,000 का डिफरेंस है। वैल्यू फॉर न्यू हायर इक्विटी में सेम है। बेनिफिट में भी जस्ट अराउंड 10,000 का डिफरेंस है। साइन इन बोनस दोनों का सेम है। तो ये बात हुई पैकेज की। अगर दोस्तों आपकी सिलेक्शन इस कंपनी में हो जाती है तो आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है इस कंपनी के लिए? तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसर्च कंसीव एंड डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव ऑन गूगल प्रोडक्ट्स ऑफरिंग, और यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट यूटिलाइजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा कंप्रेशन, मशीन लर्निंग एंड सर्च टेक्नोलॉजीज। और आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो? आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, मास्टर डिग्री भी हो सकती है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों के पैकेज में कितना डिफरेंस है। प्लस आपको एक्सपीरियंस हो यूनिक्स लिनक्स के ऊपर, विंडो के ऊपर, मैक इन्वायरमेंट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड TCP/IP, और आपको इनमें से किसी एक लैंग्वेज के ऊपर प्रोफिशिएंसी हो और वो लैंग्वेज है C, C++, जावा एंड पाइथन। तो दोस्तों, ये हुआ गूगल कंपनी के ऊपर कि वो आपको कितना पैकेज देती है, कौन कौन से जॉब रोल के लिए आती है, कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अलाउ करती है, कितना टेक होम पैकेज देती है, और आपसे ये कौन कौन से स्किल्स मांगती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।